अभी भाई इतना ही होगा, खुदाई के नीचे जाएगी। बस थोड़ा सा, तकरीबन 6 इंच नीचे जाएंगे। अच्छा 6 इंच। बारी का एक मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि ना यहाँ पे तायबा और मुस्तफ़ा के कपड़े में लटका दी। कुछ ये पड़े हुए हैं 5, और कुछ जो है ना इधर पड़े हुए हैं वो भी डालने हैं इंशाल्लाह। इसी तरह सब पैपर को गर्म करके इसी तरह जो है ना ज्वाइंट किया जाएगा। जान जहर की नमाज से पहले ही शुरू हो गई, क्योंकि ये गलने में बहुत टाइम लेती है, तो इस वजह से अभी पानी जो है ना मट्टी वाला आएगा, जैसे वो चलता रहेगा पानी फिर साफ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। बिस्मा के लिए चावल मंगवाए थे अड्डे से, तो बिस्मा ने नहीं खाए। हमने कहा चलो ये बच्चे में हम इसको ज़ाया नहीं करते, तो साहबा और मैं मिल के खा रहे हैं। मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल जी, चावल तो वैसे ही ये ज़ाया नहीं करती, क्योंकि चावल इसकी फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बिस्मा की तो छुट्टी थी, आज बिस्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर पर थी, तो उसने कहा बाबा मुझे जो है ना छोले चावल खाने हैं। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको ले कर दे देते हैं। तो उसके लिए मंगवाए, फिर उसने कुछ खाए, और बाद में जो है ना तैबा और उसकी मम्मा जो है ना साथ में मिलकर खा रही थी। तैबा भी खा के ना बाहर चली गई है, वो देखो फुप्पो के घर जा रही है सीधी सीधी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना भांजा घर पे गया हुआ है, वो नहीं है आज। तो इंशाल्लाह व्लॉग जो है ना मैं खुद कंटिन्यू रखूँगा, सब बहन भाइयों से मस्जिद का काम भी शेयर करूँगा, और हमारा जो काम और हो रहा है वो भी आपको बहन भाइयों को दिखाऊंगा बाहर चल के। तो और एक बात और है कि हम कमेंट्स में कह रहे हैं मतलब कि ना बिस्मा और महक जो है ना व्लॉग में नज़र ही नहीं आते, तो इसलिए नज़र नहीं आते मैं सब बहन भाइयों को बताना चाहूँगी, बहुत कम व्लॉग में आते हैं, क्योंकि ना अब 9th क्लास शुरू हो गई है, उसमें ना फिर पढ़ाई वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि okay, जैसे स्कूल से अब 2 बजे आएंगी, फिर 2 बजे थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट करेंगी, फिर खाना खाएंगी, जब वो आती हैं तो मैं खाना हाँ, फिर बनाएंगी, नमाज पढ़ना, फिर बाद में फिर बिल्कुल काम काम शुरू नमाज कर। अदा करके फिर जो है ना थोड़ी देर सुकून कर लेती हैं, खाना भी खा लेती हैं, फिर उसके बाद जो टेस्ट वगैरह होती हैं वो याद कर लेती हैं। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना 9th क्लास है, तो बहुत आपको पता है 9th क्लास कितनी मुश्किल होती है, तो इसीलिए ज़्यादा उनको ना मैं पढ़ाई में फोकस देती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी बेटियों को कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन। तो सब बहन भाइयों को यही कहना चाहूँगी, आप ना बिल्कुल मायूस होया करें, क्योंकि जब इनके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। नहीं वैसे भी थोड़ा बहुत तो आती हैं ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह लेके आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज के व्लॉग में बिस्मा तो आएगी, महक भी जब इंशाल्लाह अगर व्लॉग हमारा कंटिन्यू हुआ तो वो आ गई, तो छुट्टी उनकी हो गई जैनब और उनकी, तो वो भी इंशाल्लाह जरूर। संडे संडे जब संडे होता है ना, तो संडे वाले दिन जो ब्लॉग बनेगा तो उसमें ना बच्चों को ज़रूर सबको दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन होता है छुट्टी का दिन, इस वजह से फिर जो है ना बच्चों का ब्लॉग बनाऊंगी, ताकि मेरे जो बहन भाई हैं वो भी बिल्कुल मायूस ना हो, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस चीज़ को। हाँ बाकी कोई और मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मिस्त्री भाई भी आज आ चुके हैं आखिरकार हमारे नल जो है ना लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों के नल लगाने थे, तो उधर ज़िम्मेदारी थी, फिर वही लगाते रहे, और फिर मोटर तो कर अल्हम्दुलिल्लाह बना कर दे गए थे, लेकिन नल जो है ना आज शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह 1 घंटे तक ये भी लग जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो ये भी एक अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। पानी लाइट नहीं होती तो फिर बंदा नल का यूज़ कर लेता। कितना हो गया बोर? 70 हो गया। चलो इंशाल्लाह अभी और होना है। हाँ जी चले। और बिस्मा बेचारी की छुट्टी जो है ना महंगी पड़ गई है, यहाँ पर कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं और फुप्पो के साथ, और दूसरी बोतलें वगैरह भी ये भर के जो है ना रखेगी। तो छुट्टी कर लिए तो सारा दिन मम्मी के साथ हेल्प भी करवा दे रहा है। अच्छी बात है, हेल्प करवाना अच्छी बात है। और वैसे तो महक जो है ना ज़्यादातर भर के रखती है, आज बिस्मा की बारी आ गई है। इंशाल्लाह ताला हमारा जो ये वाला घर है कखों का, इसके ऊपर ये तिरपाल जो है ना हमने धो कर सूखने के लिए डाल दिया था, आज ये सूख गया, तो इंशाल्लाह उतार के रख देंगे इसको। तो इंशाल्लाह सर्दियों को इसको भी आबाद करेंगे अल्लाह के हुक्म से,
उसको भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश तो यही है, बाकी अल्लाह पाक जैसे करम करेगा इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको आबाद करेंगे। अभी आ चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, और मस्जिद में यहाँ से जो दीवार रहती थी वो जो है ना मिस्त्री भाई टाइलें बची हुई थी, तो वहाँ पर वो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने फूल वगैरह उगाने इंशाल्लाह ताला। तो मिस्त्री भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है ना टाइल लगा देते हैं, खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह ताला। और उस्ताद साहब जो है ना माशाल्लाह से इधर सो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे नमाज का टाइम होता है फिर वो उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्ताद साहब का घर का मैं आपको दिखाऊँ कि कहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, कल हमने नहीं दिखाया था। पहले हमारा इरादा था कि हम घर जो है ना उधर बनाएंगे, लेकिन फिर जो है ना इरादा चेंज हो गया। अभी जो है ना यहाँ पर जो है ना वो देखें एरे जो है ना बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नवीद भाई और शहद भाई जो है ना एरे बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो ईंटें भी आने वाली हैं, जब ईंटें आ जाएंगी ट्राली ईंटों की भी जो है ना फ़ोन किया, उन्होंने कहा बात तो हो गई थी ईंटों वाले भट्ठे से मालिक से, तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि मैं अभी भरवा के ना भेजता हूँ, जैसे आती वो भी जो है ना इंशाल्लाह इधर उतरवा लेंगे, जैसे जैसे फिर ज़रूरत पड़ती जाएंगी फिर हम ईंटें डलवाते जाएंगे और काम हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल में नवीद भाई इतना ही होगा, खुदाई के नीचे जाएगी बस थोड़ा सा, तकरीबन 6 इंच नीचे जाएंगे। अच्छा 6 इंच, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना एरा जो है ना बनाया जा रहा है, इसके नीचे जो है ना बजर डाला जाएगा, बजर डाल के इंशाल्लाह फिर जो है ना सीमेंट डाल के उसके ऊपर जो है ना हम जो दीवार होगी वो उसको ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुका हूँ, और बेगम साहिबा को मैंने कहा था कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो है ना मुझे कहवा बना के पिलाएं, और अभी दोनों माँ बेटी जो है ना अभी खाने में लगी हुई हैं। नहीं खाने में तो नहीं लगी हुई, क्योंकि ना मिस्त्री भाई लोगों को चाय देनी थी, उधर चाय दिए। अच्छा, तो अभी जो है ना आपके लिए कावा बना रही हूँ। तैबा आ गई तो मैंने, तैबा तैबा ने कहा मुझे ना, तैबा अल्लाह हाफिज़, तब अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, पानी पिए? हाँ पानी इधर आओ, चलो जल्दी बनाओ फिर, आज बिस्मा को सही सजा मिल रही है छुट्टी की। नहीं मेरी जब मैं हम लोग स्कूल होते मेरी अम्मी तो सारा दिन काम करती रही, वो तो बात ठीक है, लेकिन आज फिर आज सारा दिन आप करो, ये तो फिर कावा भी आपसे बनवाना था। अम्मी वो बना रही है, क्योंकि आप अम्मी के हाथ का बेटे ना, आपको अम्मी के हाथ का सवाल अच्छा लगता है। हाँ सही, उधर से दो, उधर से हाँ इधर से दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना मिलजुल के कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियाँ भी जो महक भी जो है ना मिलजुल के काम करवाती है, और इसमें भी सब भी ना साथ देती हैं अपनी अम्मी का अल्हम्दुलिल्लाह। मजे का है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजे का है। चलो एंजॉय करो फिर। एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह से, खाने के बाद ये पी लेता हूँ ना तो खाना हजम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर थकन भी उतर जाती है। काश के इस कावे के साथ पतला भी इंसान होता तो फिर मैं भी रोज पीती 3 मरतबा। होता है क्यों नहीं, मैं देखो ना जब खाना हजम होगा और सारा कुछ सिस्टम सही मैदा करेगा तो फिर साफ बात है बंदा भी फिट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से कावा मैं जब तक ना पीऊँ तो फिर मुझे सुकून नहीं आता। वैसे भी सर्दियों को तो सुबह शाम होता है, लेकिन गर्मियों में या शाम को पी लेता हूँ या सुबह पी लेता हूँ, एक टाइम पी लेता हूँ। ये दवाई है आपके लिए? हाँ, तो क्योंकि चाय पीता नहीं हूँ तो ये ज़रूरी है मेरे लिए। ये भी अल्लाह पाक नसीब कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारा दिन बंदा इधर उधर भागता दौड़ता रहते तो फिर थकन भी उतर जाती है और अपना खाना भी हजम हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कावा जो है ना मैंने पी लिया है, और अम्मी जान का सख्ती से आर्डर था कि जो आप कद्दू शरीफ जो है ना देख लें, उनमें से कोई हो गए हैं तो फिर तोड़ लें आप, अगर नहीं हुए तो, क्योंकि फिर सर्दियों की सब्जियां जो है ना मैंने उगानी है और जगह भी बनानी है सारी। यहां पर आम और अनार जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हो रहे हैं, अनार माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जामुन का दरख्त भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और हमारे आम जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये देखे माशाल्लाह। और अगर आपने लिए कद्दू तोड़ना है तो फिर तोड़ लो, ये देखो कद्दू अभी जो है ना छोटे छोटे, ये देखो
अभी छोटे वो कहती है कि अगर हो रहे हैं तो फिर तो इनको रहने देते हैं कद्दू को, अगर नहीं हो रहे अम्मी जान कहती है तो इसको जो है ना ख़त्म करो, क्योंकि फिर इसकी जगह बनाते हैं फिर सर्दियों की सब्ज़ी जो है ना यहाँ पर लगाएंगे। माशाल्लाह से एलोवेरा कितनी नाइस हो रही है, बहुत प्यारी। हाँ ये अच्छा हो गया, मैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने उगाया कि लग जाएगा, लेकिन लग गया माशाल्लाह बहुत ही। ये अम्मी जान के ये सब चीज़ काविश है। हाँ। क्योंकि ना अम्मा इनको रोज़ पानी लगाती है और माशाल्लाह से बहुत प्यारे हो रहे हैं, और ख़ास तौर हमारे जो आंब है ना माशाल्लाह, अल्लाह इनको रंग लगाए, अल्लाह इनको बहुत इनके ऊपर फल लगाए, जो इनके ऊपर फल लगे तो मैंने तो यहीं बैठना है। अच्छा हाँ इंशाल्लाह सब ने, और इंशाल्लाह ताला बस वो अम्मी जान को कहते हैं कि अभी जो है ना उसके ऊपर फल नहीं है कद्दू शरीफ के ऊपर। अगर आप वायरिंग देखी है, ये देखो वॉशरूम के अंदर वायरिंग जाती है और मुस्तफ़ा का भी कुछ पता नहीं होता, ये देखो कैसे नीचे नहीं। अब इसकी सफाई यहाँ की ये करेंगी ना सब्जी उगाने के लिए, तो इसको भी ऊपर कर देंगे वहाँ वहाँ से ना ऊपर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अम्मी जान को कहते हैं कि ये जो है ना साइड पे रहने दो, क्योंकि ये हो रहे हैं अभी कद्दू, अभी दे रहे हैं इनको, ये नहीं उखाड़ते, बाकी जो है ना सही कर देते हैं, तो फिर जहाँ जो भी सब्जी लगानी इंशाल्लाह फिर लगा लें इंशाल्लाह। अम्मी जी की बाड़ी की ना लकड़ियाँ भी अब कुछ गल गई हैं, वो भी सही कराओ। हाँ वो भी ये अब सही करना ना खुद, किसी और को भी बच्चों को लगाओ अपने साथ, तो इस वजह से ना। हाँ ये हिल रही है अभी। हाँ हिल रही है। तो जो सिस्टर ने जाली लेके दी थी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाले उनके बच्चों को भी सलामत रखे। बाड़ी का एक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि ना यहाँ पे तैयबा और मुस्तफ़ा के कपड़े में लटका दी। ये बात है, चलें ठीक है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तैयबा जो है ना अम्मा के पास बैठी थी और अब नीचे उतर के जा रही है। अम्मी जान सब्ज़ी आपकी जगह जो है ना देख कर आए सब्ज़ी की, तो वो जो है ना अभी छोटे छोटे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो उसको उनको रहने देते हैं, जो दूसरी जगह आपको बना देते हैं। तो सब्ज़ी कौन कौन सी उगानी है आपने? सब्ज़ी है टमाटर पालक है। अच्छा मूली है भाई, आलू शालू हैं, जेड़ी मौसम की चीज और कद्दू। अच्छा इतनी जगह भी नहीं है ना, नहीं तो वो प्याज भी तो लहसुन लहसुन ए धनिया भी होनी चाहिए, पुदीना जरूर उगाना क्योंकि मेरे काम आने वाला है। हाँ पुदीना तो आगे भी उगाया हुआ है। चले माशाल्लाह पुदीना है, तो इंशाल्लाह उनको साइड पे रहने देते हैं, वो जगह बना देते हैं इंशाल्लाह, वो फिर आप सब्जी लगाना शुरू कर दें। ठीक है। साथ साथ छाली भी खा रही थी माँ, छालिया माँ नहीं अली देनी चाहिए। अच्छा सिस्टर के ना बेटा स्कूल जाता है तो उसके ना भी नहीं ये चीज़ अच्छी भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह 80 फीट जो है ना बोर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी उस्ताद साहब आए हुए हैं क्योंकि प्लास्टिक की जो नालियां अंदर डालनी हैं वो जो है ना इंशाल्लाह उनकी पमाइश की जा रही है, और इंशाल्लाह उनको गर्म करके पैप ज्वाइंट करके फिर जो है ना अंदर डालेंगे इंशाल्लाह ताला नलके के नीचे। कुछ ये पड़े हुए हैं 5 और कुछ जो है ना इधर पड़े हुए हैं वो भी डालने हैं इंशाल्लाह। पैपो को जो है ना गर्म किया जा रहा है ज्वाइंट करने के लिए, आग जलाई गई है और अभी जो है ना इसको गर्म करके फिर जो है ना ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह सब पैपों को गर्म करके इसी तरह जो है ना ज्वाइंट किया जाएगा। आटा जो है ना ख़त्म हो गया और बेगम साहबा गंदम साफ करने लगी है, और गंदम जो है ना कुछ नीचे गिर गई है, अभी जो है ना इसको समेट के। कोई बात नहीं, मेरे वो मुर्गियाँ हैं ना वो आके खा लेंगी, क्योंकि उनके लिए भी तो दाने में निकालती हूँ ना। सही बात है। और यहाँ पर चार पे बिछा ली है और दाने गंदम जो है ना साफ करके देती है, फिर जो है ना इसको चक्की पर डालेंगे और शाम को पिस जाएगा तो आटा फिर उठा के ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ईंटों की ट्राली भी जी जो है ना आ चुकी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उठा साथ साथ जैक के अनुसार है। ओए होए होए मट्टी आ रही है सारी, धूड़ मट्टी ऐरा जो है ना यहाँ से सीधा कर दिया है, और हमारी ईंटें भी आ चुकी हैं और ईंटों की सारी मट्टी जो है ना हम उड़ उड़ के आँखों में आ रही है। आधी उतारी आधी फिर जो ना आगे करके फिर उतारेंगे। शाम खाने की बात करें, आज बना रहे हैं जी पालक, और अम्मी जान जहर की नमाज़ से पहले ही शुरू हो गए क्योंकि ये गलने में बहुत टाइम लेती है, तो इस वजह से अम्मी जान और लाडो सिस्टर
और बड़ी सिस्टर जो है उनको बैठ के केले खा रही है। केले खा नहीं रही है, पालक में डालेंगे। खा रही है। इसके दाहर को दार देना, इसलिए खा रही है। हाँ, केले इसका जो है ना वो कैल्शियम पूरा हो जाएगा। पूरा हो रहा है। अम्मी जान तैबा को भी साथ साथ झूला झुला रही, क्योंकि तैबा भी साथ में सो रही है। हाँ, वैसे तो सो रही है सुकून से, अभी सुकून कर रही है अम्मी जान, क्योंकि झूला झुला रही है ना पाँव से टांग से, तो इस वजह से वह जो ना अभी नींद आराम से ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह नल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी रह गया फर्श। फर्श इंशाल्लाह मिस्त्री भाइयों से शाम को बनवाएंगे, जब मस्जिद के काम से छुट्टी करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना फर्श जो है ना वहाँ से टूटा था वो भी इंशाल्लाह हम जो है ना बनवा लेंगे। अभी पानी जो है ना मिट्टी वाला आएगा, जैसे ही वो चलता रहेगा पानी फिर साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अम्मी जान और सिस्टरें जो है ना पालक काट रही हैं, और बेगम साहबा ने जो है ना पानी बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। हाँ, मैंने कहा यहाँ पर ना जब तक मेरा पानी उबल जाएगा, अम्मा और सिस्टर मिल के पालक काट रहे हैं, तो फिर जो है ना धो के अच्छी तरीके के साथ फिर इसमें पालक डाल दूंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन होता रहेगा, क्योंकि ये पालक आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे गलती रहेगी और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। जी बिल्कुल, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पूरा हफ्ता जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इस वीडियो को इस गर्मी को देखते हुए यहीं पर करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।